और राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, हम इस वक्त अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं, और कौन कौन लोग उनके साथ हैं, साथ में जानना चाहेंगे पूरी खबर। मुकेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और इस समय लोधा क्षेत्र में जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो बन रही है उसका निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण के बाद में जो यहां से जो बैठक करेंगे, बैठक के बाद जो है 640 करोड़ की जो लोकार्पण करेंगे, जो यहाँ परियोजना है उनके लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर जो लगातार प्रशासन जो तैयारियों में जुटा हुआ था। इस समय जो है बात करें मुख्यमंत्री के साथ की तो अन्य लोग भी हैं, मौजूद हैं, जैसे कि जो उनके राजनेता हैं और जो उनके साथ आए हुए हैं वो भी उस काफिले में मौजूद हैं। हालांकि अभी जो अंदर से स्पष्ट नहीं है कौन कौन मौजूद है, लेकिन व्यवस्था पूरी बनी हुई है और निरीक्षण जो है लगातार जारी है। दो दिवसीय जो यहाँ पर दौरा है वो रहेगा और लगातार जो क्रम बाय क्रम जो कार्यक्रम है वो उनके रहेंगे। तदुपरांत यानी कि कल सुबह यहाँ से एटा के लिए मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल मुकेश, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हैबिटेट सेंटर समेत 406 करोड़ की 59 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस संदर्भ में मुकेश? आलोक, देखिए अगर लोकार्पण और की बात की जाए तो हैबिटेट सेंटर इसमें सबसे मुख्य है क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत वो तैयार हुआ है जो कि अलीगढ़ के लिए एक धरोहर के रूप में भी आएगी और एक बड़ी परियोजना है जिसका जो है लोकार्पण जो है वहाँ पर किया जाएगा। बाकी जो अन्य जो कह सकते हैं पूरी टोटल मिलाकर 646.27 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। उसके इसमें जो है कई अन्य कार्यक्रम भी मौजूद रहेंगे जिनका जो शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दो दिवसीय दौरा है और बड़ी बात यह कि तमाम सारी लोकार्पण इन योजनाओं का करेंगे, मूर्त रूप देंगे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जनता से भी, आम जन से भी मिलेंगे, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में भी काफी उत्सुकता है। आपकी भी लोगों से बात हुई होगी, किस तरीके की उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? आलोक, जैसे कि लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जो लगातार अलीगढ़ का रुख करते हैं, हालांकि पहले भी सरकारें रही हैं लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो रुख रहता था अलीगढ़ की तरफ इतना नहीं रहता था, लेकिन जब से सरकार बनी है, हालांकि 2.0 सरकार है, इस दौरान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं और दौरे के दौरान जो है जनता से रूबरू भी होते हैं, जैसा कि आज भी जो है कई सारे जो लाभार्थियों को से भी मुलाकात करेंगे जिनकी मुलाकात हैबिटेट सेंटर में ही होगी जहां पर लोकार्पण होगा। जी मुकेश, आप तो चूंकि अलीगढ़ में हैं इसलिए सवाल आपसे कि आज रूट कई कई जगह पर डाइवर्जन किया गया है। खबर मिल रही कि साधु आश्रम से कुआरसी चौराहे की तरफ, कुआरसी चौराहे से 38वीं वाहिनी पेशी, आप हम जरा जानना चाहेंगे कि किस तरफ आज जो अलीगढ़ वासी है वो रुख ना करें ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मुकेश, आलोक, रूट डाइवर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो बाईपास है, बाईपास को जो लिंक किया गया है, बाईपास को जो है इधर से उधर जो है सब कुछ निकाला गया है जिससे कि जो भी बाईपास के अंदर जो वाहन है वो